नमस्कार। तो आज आप हम पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पीसी ज्वेलर्स स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे देख सकते कि फ्राइडे के दिन एक तेज़ी देखने को मिली थी, एक उछाल देखने को मिली थी अच्छी खासी काफ़ी दिनों बाद। पर रिसेंटली आपकी पोजीशन जो है स्टॉक के अंदर फंसाते के मत रखना, क्योंकि उछाल आते बाहर निकलिए और एक अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए, जो कि एक आपको पॉजिटिव रिटर्न्स तो मिल जाएगा। क्योंकि इसमें देख सकते कि काफ़ी वीक स्टॉक है, टेक्निकली एज फंडामेंटली देखा जाए तो काफ़ी वीक स्टॉक था। ज्वेलर्स सेक्टर जो था वो फ्राइडे के दिन तेज़ी में था, उसके कारण यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी। 10% जब तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद यहाँ पे बात की जाए फंडामेंटल देखने ली तो काफ़ी वीक स्टॉक है, काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। पिछले कई दिनों से स्टॉक में रेंज बाउंड से साइडवेज चल रहा था, अभी रिसेंटली देखा जाए तो स्टॉक में थोड़ी सी पॉजिटिविटी मूवमेंट आई है। उछाल आती है तो स्टॉक से बाहर निकल के अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए, यही हम लोगों का जवाब होगा। आपके नैना एनालिस्ट से पूछकर आप पोजीशन बना सकते हो आगे की। तो बाकी की जो डिटेल है रिसेंटली देखा जाए तो वॉल्यूम्स तो पॉजिटिव आ चुके थे फ्राइडे के दिन में। तो रिसेंटली क्वार्टर के अर्निंग्स भी आने वाले इस अगस्त मंथ के अंदर, उसके पहले देख सकते कि स्टॉक में काफ़ी वीक मोमेंटम थी, क्योंकि काफ़ी ऊपर से स्टॉक गिर चुका था और रिसेंटली देख सकते कि 30 लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक ऊपर की तरफ, तो और ऊपर जाने के चांसेस बना सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट पीसी ज्वेलर्स के लिए।